हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहां पे बात करने वाले हैं क्वांटम की ओर से आने वाला सोनोटेक्स 51 ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में। ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है वो आपको यहां पे 5 वोल्ट आउटपुट के साथ देखने को मिल जाता है, तो इसके बारे में डिटेल में आगे वीडियो में बात करते हैं। उससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके की हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आती रहे। तो बिना टाइम गवाए जल्दी से पहले तो इस प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर से आपको कौन कौन सी एक्सेसरीज वगैरह कुछ मिलता है। यहाँ पे इसके बॉक्स के बारे में बात करें तो आपको टॉप में यहाँ पे इसकी जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है, और इसके सामने वाले साइड में आपको सोनोटेक्स 51 ब्लूटूथ स्पीकर है वो डिटेल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे इसके जो थोड़े बहुत की फीचर्स है वो देखने को मिल जाते हैं। साइड वाले पार्ट के बारे में भी आपको यहाँ पे थोड़े बहुत की फीचर्स देखने को मिल जाएगी। अभी ये बॉक्स ओपन हो चुका है भाई, मैंने पहले देख लिया था, काफ़ी एक्साइटेड था इस प्रोडक्ट को देखने के लिए इसलिए। और यहाँ पे आपको कई सारे भाई बारकोड स्कैन देखने को मिल, इसको स्कैन करके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और यहाँ पे इसकी जो वेबसाइट उन डायरेक्ट वहाँ पे आप अटैच हो जाओगे। और जल्दी से इस बॉक्स को हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर से क्या क्या एसेसरीज वगैरह मिलते हैं। पहले तो भाई डायरेक्ट ओपन करते ही सामने एसेसरीज वगैरह कुछ देखने को मिल जाती है। तो भाई पहले तो कुछ हैप्पी कस्टमर का कार्ड देखने को मिल जाता है, एक ऑक्स केबल देखने को मिल जाता है, और इसके साथ आपको माइक्रो यूएसबी चार्जिंग केबल भी देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा देखें तो आपको यहाँ पे एक यूज़र मैनुअल काफ़ी छोटी सी देखने को मिल जाए, जहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा भी इसको किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। इन सबको आप साइड में रखते हो और मेन स्पीकर को अनबॉक्स करते हैं। भाई पैकेजिंग वगैरह थोड़ी वीक है भाई, नई कंपनी है, अभी धीरे धीरे आ जाएगी अच्छी पैकेजिंग के साथ। तो भाई ये हमारा मेन ब्लूटूथ स्पीकर है और आपको यहाँ पे क्वांटम सोनोटेक्स 51 इसका मॉडल नंबर यहाँ पे आपको वूफर टाइप का देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको एक फ्लिप भी देखने को मिल जाता है जिसके अंदर से वाओ काफ़ी अच्छी बिल्ड इन क्वालिटी है। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको TF कार्ड का स्लॉट देखने को मिल जाता है, यूएक्स केबल का स्लॉट और पेन ड्राइव वगैरह भी आप यहाँ पे इसको अटैच कर सकते हो, और माइक्रो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है। और इसके साथ यहाँ पे आपको टॉप वाले पार्ट में यहाँ पे इसके कुछ फंक्शन बटन देखने को मिल जाते हैं, बिल्ट इन माइक्रोफोन भी आपको मिल जाता है क्योंकि यहाँ पे कॉल वगैरह की साइन देखने को मिल जाती है, मोड बटन देखने को मिल जाता है, प्ले पॉज बटन देखने को मिल जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज और वॉल्यूम डिक्रीज के बटन वगैरह कुछ आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब यहाँ पे इसके बिल्ड एंड क्वालिटी के बारे में बात करें तो इसकी जो बिल्ड एंड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी बिल्ड एंड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आपको रबराइज पार्ट देखने को मिल जाता है, आगे के साइड में आपको यहाँ पे स्पीकर वगैरह देखने को मिल जाते हैं, और स्पीकर ग्रिल भी मेटल फिनिशिंग के देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे क्वांटम का लोगो आपको दिख जाएगा और इसके पीछे वाले साइड में आपको सब वूफर देखने को मिल जाता है। और नीचे के साइड के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे रबर ग्रिप भी देखने को मिल जाते हैं, जहाँ से आप इसको अच्छे तरीके से फ्लैट सरफेस पे रख सके। अब जल्दी से इसका साउंड टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर आपको जो साउंड एक्सपीरियंस हो किस टाइप का मिलने वाला है। इसके साउंड एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो भाई ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है वो आपको 5 वोल्ट आउटपुट के साथ देखने को मिल जाता है, उसके मुकाबले काफ़ी अच्छी लाउडनेस आपको यहाँ पे इस ब्लूटूथ स्पीकर के अंदर देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा यहाँ पे इसकी जो बेस क्वालिटी है वो भी काफ़ी कमाल की बेस क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे जो पीछे मतलब ब्लूटूथ स्पीकर के बैक साइड में आपको यहाँ पे वूफर जैसा देखने को मिल जाता है, और वो भी लुक में भी ऐसे तो काफ़ी एट्रैक्टिव है। और इसके अलावा यहाँ पे इसकी जो बेस क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके जो ट्रबल्स वगैरह किस तरीके से वर्क करते हैं, तो भाई यहाँ पे इसका जो ट्रबल्स, मीड्स, हाइज एंड लोज है वो भी एकदम परफेक्टली वर्क करते हैं। और इस प्राइस रेंज के मुकाबले इसकी जो साउंड एक्सपीरियंस है मुझे तो काफ़ी हद तक पसंद
आइए अब बात करें यहाँ पे इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो गाइज यहाँ पे इसके साथ आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 देखने को मिल जाता है, और इसके अलावा यहाँ पे इसके IPX रेटिंग के बारे में बात करें तो ये IPX7 सर्टिफाइड देखने को मिल जाता है, मतलब कि स्प्लैश प्रूफ और नॉर्मल सी बूंदाबांदी में इस ब्लूटूथ स्पीकर को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको एक रबर स्ट्रैप भी देखने को मिल जाता है, जिससे आप इसको ट्रैकिंग वगैरह में भी आसानी से कैरी कर सकते हो। और इसकी जो साइज़ है थोड़ी सी हैवी है, इसलिए आपको इसको पॉकेट के अंदर आप आसानी से नहीं रख सकते, लेकिन आप बैग वगैरह के साथ अटैच करके मतलब हैंग करके भी ले जा सकते हो। और अदर आप ट्रैवलिंग बैग है तो फिर उसके अंदर भी आप इसका यूज़ करके ले जा सकते हो। मतलब कॉम्पैक्ट सी डिज़ाइन है, लेकिन थोड़ा सा बल्कि भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसके बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको 2000 mAh की बैटरी बैकअप देखने को मिल जाती है, मतलब कि इस ब्लूटूथ स्पीकर को आप अगर 70% वॉल्यूम पे इसका प्ले करते हो तो आपको यहाँ पे 19 आवर्स का प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाता है। अदरवाइज आप अगर इसको 100% वॉल्यूम पे प्ले करते हो तो आपको यहाँ पे 15 से 16 घंटे का ही प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाता है, लेकिन 70% वॉल्यूम पे आपको जो 90 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलता है वो मेरे ख्याल से इस प्राइस रेंज के मुकाबले भी काफ़ी अच्छी बैटरी बैकअप आपको यहाँ पे मिल जाती है। कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको ब्लूटूथ से भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, और इसके साथ आपको ऑक्स केबल थ्रू भी डायरेक्टली इसका यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे USB पोर्ट देखने को मिल जाता है, मतलब कि पेन ड्राइव वगैरह भी डायरेक्ट अटैच करके इस ब्लूटूथ स्पीकर के साथ गाना वगैरह प्ले कर सकते हो। साथ में आपको microSD कार्ड मतलब कि TF कार्ड का स्लॉट देखने को मिल जाता है, वो भी मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे अप टू 32 GB तक का microSD कार्ड सपोर्ट करता होगा। इसके थ्रू भी आप यहाँ पे इस ब्लूटूथ स्पीकर का यूज़ कर सकते हो, जो कनेक्टिविटी के मामले में काफ़ी अच्छी बात है। अब बात करें चार्जिंग पोर्ट के बारे में तो भाई अभी की टाइम के मुताबिक जो टेक्नोलॉजी है तो उसके मुकाबले Type-C चार्जिंग पोर्ट दिया होता तो काफ़ी अच्छा हो जाता, लेकिन इसके अंदर आपको microUSB चार्जिंग पोर्ट दिया गया, मतलब कि इसकी जो चार्जिंग स्पीड है मेरे ख्याल से थोड़ी सी स्लो देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे इसके ऑल ओवर रेटिंग के बारे में बात करें तो भाई पहले तो इसकी बिल्ड एंड क्वालिटी, साउंड एक्सपीरियंस और इसके साथ जो इसके स्पेसिफिकेशन और फीचर्स हैं, इन तीन पॉइंट को मिला के मैं यहाँ पे इसको 4.5 रेटिंग देने वाला हूँ। मुझे तो काफ़ी अच्छी साउंड एक्सपीरियंस लगी है, बिल्ड एंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, थोड़ी सा बल्कि है लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। और 5 वोल्ट के साथ आता है तो इसकी जो साउंड एक्सपीरियंस है मुझे तो काफ़ी पसंद आया, 2 बार भाई मैं बोल चुका हूँ, लेकिन साउंड एक्सपीरियंस ही मुझे ऐसा मिला है कि भाई इस प्राइस रेंज के अंदर तो तगड़ा साउंड एक्सपीरियंस मिल जाता है। फीचर्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक Type-C चार्जिंग पोर्ट दिया होता और थोड़ा सा फास्ट चार्जिंग दिया गया होता तो काफ़ी अच्छा हो जाता। अदरवाइज आप इस ब्लूटूथ स्पीकर को परचेस करना चाहते हो तो इसकी जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख देता हूँ, आप वहाँ से भी इसको डायरेक्ट परचेस कर सकते हो। अदरवाइज amazon.in पे जाके आप क्वांटम सोनो ट्रिक्स 51 ब्लूटूथ स्पीकर लिखोगे फिर भी आप वहाँ पे डायरेक्टली भी इसको परचेस कर सकते हो। आज के वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ में अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके की हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे।